गोरखपुर के पिपराइच इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को युवती के परिजनों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीट दिया। इस पिटाई के चलते प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो अभी तक सामने आया है कि एक युवक की हत्या हुई थी, इसके अंदर 4 लोगों को नामजद किया गया। इसके अंदर जो अभी तक की जानकारी है, ये जो लड़का है और एक लड़की वहाँ पर जो थी, ये पहले से पूर्व में एक दूसरे से परिचित थे। कल रात में लड़का उनके यहाँ पर गया है, एक घर वालों की जानकारी में आने के बाद में जो है उससे जो है मारपिटाई की, लाठी डंडों की चोट है उसके ऊपर, और उस लड़के की डेथ हो गई। ये थाना पिपराइच के अंदर 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके अंदर लड़की के पिताजी, माताजी और उसके दोनों भाई नामजद किए गए हैं, और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो 4 लोग जिनको नामजद किया गया है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई इसके अंदर की जा रही है। उधर कानपुर के मैगजीन घाट पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतक गंगा में मछली पकड़ने का काम करता था, जिसके चलते उसकी कई मछुआरों से दुश्मनी हो गई थी। इसी दौरान मृतक शराब के नशे में घर से निकला, लेकिन सुबह घाट के किनारे उसका शव पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले में छानबीन शुरू कर दी है। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह और कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।